हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एस जी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग बनाने वाले हैं विजिटिंग कार्ड, शादी का कार्ड। तो आइए देखते हैं हम लोग शादी का कार्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। एमएस वर्ड में हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद पे यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से हम पेज को लैंडस्केप करने वाले हैं। लैंडस्केप करने के बाद यहाँ पे पेज की जूमिंग 80% रखने वाले हैं। उसके बाद में हम जो है सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में एक ऑप्शन आपको ये वाला मिल जाएगा इंटीजर का, तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। तो हम इसको रोटेट कर लेंगे। यहाँ से ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है और ग्रीन, इसमें से इसको हम ऐसे रोटेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो गया है। उसके बाद कंट्रोल डी कर लीजिए आप, या फिर यहाँ सैप्स से लेके बना लीजिए, सेम बात ही होगी। हम बना के बता दे रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से बन गया है। फिर से इसे यही चीज़ है कि बार बार पलटना पड़ेगा, तो आप को जैसा लगे आप वैसा ही कीजिएगा। हम मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद में है जो है फिर से हम यही वाला ऑप्शन लेने वाले हैं। इसमें से आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। उसके बाद में ये जो मैंने सबसे पहले वाला बनाया था इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो सके। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन सब में हम इमेजेस सेट करेंगे। तो इमेज से मैंने पहले से ही रखा था सिस्टम में, इमेज मैंने पहले से ही सिस्टम में रख रखा था। तो आइए देखते हैं, यहाँ सैप्स फील्ड में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद जो है हम एक एक सैप्स जो है इंसर्ट करा लेंगे, एक एक पिक्चर इंसर्ट करा लेंगे। सबसे पहले मैं इयरिंग वाला ले रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे पे मैं दूसरा पिक्चर लेने वाली हूँ यहाँ से, ये यूज़ करने वाले हैं हम। इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें रहने दीजिएगा, ये मत डालिएगा। हम इसमें जो है यूज़ करने वाले हैं उस पिक्चर को, देखते हैं दिख रहा है या नहीं। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये थोड़ा सा फटा फटा दिख रहा है। हम इसको बढ़ा लेंगे तो ये सही दिखेगा, आप देख सकते हैं इसको। अगर नहीं सही लग रहा है तो आपको जो भी इमेज जैसे भी सेट होगा आप उसको अच्छे से बैठा के सेट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इसमें ये भी नहीं सेट हो रहा है, तो मैं यही इसी पे इसमें यही छोड़ दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा लगे। और यहाँ नेक्स्ट जो दिया है नीचे, सॉरी गलती से वही हो जा रहा है, दूसरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ से इसमें पिक्चर डाल देंगे, तो जो भी हमको सही लगेगा वो हम डालने वाले हैं। तो इसमें मैंने ये वाला पिक्चर ऐड किया है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ से ये ऑप्शंस देख रहे होंगे आप रिक्टेंगल का, इसको उठाएंगे और कुछ इस तरीके से इसको हम ड्रैग करने वाले हैं। ड्रैग करने के बाद ये रोटेट का ऑप्शंस देगा। इसको रोटेट करने के बाद जो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा और रोटेट करेंगे, यानी कि इस पर कुछ ये सेट हो जाए। हालांकि मुझे इसी पे ही सेट करना है इसको, इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको हम चौड़ा कर लेने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में इसको हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। फिर से इसी का हम कंट्रोल डी कर लेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद इसको हम रोटेट करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा इसको रोटेट कर दे रहे हैं हम, ये जो पहले वाला मैंने बना के रखा था आप देख सकते हैं ये। और इसकी आउटलाइन जो है हम उसको हटा दे रहे हैं, यहाँ से नो आउटलाइन कर दे रहे हैं ताकि ये देखने में कुछ अच्छा लगे। ये देखिए मैंने हटा दिया है। अब इसमें जो है लिखने वाले जो प्रोसेस हैं वो हम लिखेंगे कि वर्ड कैसे लिखा गया, यानी जो भी लिखा गया है हमारा वो सब कैसे लिखा गया है। तो यहाँ हम सबसे पहले वर्ड आर्ट का यूज करने वाले हैं। हालांकि अगर हम कर्सर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट सेट नहीं हो पाएगा। तो हम सबसे पहले वर्ड आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम जो है यूज करने वाले हैं और
और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको वर्ड नहीं दिखेगा, अगर ना दिखेगा तो टेक्स्ट यहाँ फॉर्मेट में आके ऑरेंज में आइएगा, ऑरेंज में आके आप टेक्स्ट बफरिंग में आइएगा। टेक्स्ट बफरिंग में इन फॉन्ट आप टेक्स्ट देगा, यहाँ से आप इसको सेट कर लीजिएगा। ये फॉन्ट हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से सेट हो सके। यहाँ से देखिए हमने सेट कर दिया। इसका कलर आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ से मैं कई बार मैंने सोचा ला ब्लू ट्राई करें बट ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने ये ऑरेंज कलर दे दिया है। आप रेड भी यूज कर सकते थे, रेड भी यूज कर सकते हो, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा यूज करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे रेड यूज किया। फिर से हम इसी का कंट्रोल डी यूज करने वाले हैं, कंट्रोल डी यूज करने वाले हैं ताकि हम बार बार हमेशा हमेशा हमको वर्ड आर्ट पे ना जाना पड़े। तो कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस बार मैं नाम लिखने वाली हूँ कि ये कार्ड, ये एडिटिंग कार्ड किसके नाम पे है, तो हम उसके लिए यहाँ इसी पे जो है हम वर्ड पे ही राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट एडिटिंग में आ जाएंगे। ये ऑप्शंस मैंने कई बार बताया है आप लोगों को। और को दिखा दे रहे हैं, देखिए मैंने ये फॉन्ट लिया। आप जो भी आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट डालने वाली हूँ, तो यहाँ पे हम कंट्रोल डी इसी का कर लेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद आप इसका स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो राइट क्लिक कर लीजिएगा और चेंज कर लीजिएगा। ये मैंने कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं टाइप करने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करने वाली हूँ डेट। उसके बाद में यहाँ पे हम ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं ये डेट हमारा ये हमारा डेट मैंने एक ही में कर दिया है, तो ये डेट हमारा एक ही में नहीं रहेगा, ये टाइमिंग सिर्फ एक में रहेगा, डेट बाकी अलग रहेगा। तो हम इसे डेट को मिटा दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम सेट कर दे रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेंगे ताकि ये मतलब अच्छा लगे। उसके बाद हम कंट्रोल डी इसी का कर लेंगे। कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे ये देखिए कुछ इस तरीके के फॉर्मेट आ जाएगा। राइट क्लिक करके इस बार मैं डेट डालने वाली हूँ, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे हम, आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कलर कर दे रही हूँ, फिर से ये हो जाएगा। उसके बाद मैं एड्रेस डालने वाली हूँ, तो एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस के लिए हम यही फॉन्ट यूज करने वाले हैं। कंट्रोल डी करेंगे हम, राइट क्लिक करके एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एडिट में आएंगे, तो यहाँ पे हम डालने वाले हैं एड्रेस। तो एड्रेस में आप अपने हिसाब से एड्रेस डाल दीजिएगा, मैं भी यहाँ डाल दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वर्ड आर्ट से ही सारे एड्रेस डाले हैं, आप भी वर्ड आर्ट से ही डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा लगेगा। यहाँ देख सकते हैं मैंने डाल दिया। अगर आप पेज को कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे यहाँ से इस पेज को कोई कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ इसमें आ जाइएगा पेज लेआउट में, और यहाँ से भी कोई भी कलर पेज पर दे सकते हैं आप। अब देख सकते हैं यहाँ से कोई भी कलर देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो अगर नहीं देंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, अगर दीजिएगा भी तो हल्का दीजिएगा ताकि ये जो है अच्छा लगे। तो मैंने ऐसे ही वाइट रखा है। और एक चीज़ जो ये है, हम एड्रेस थोड़ा सा नीचे करने वाले हैं। इस एड्रेस को जो है थोड़ा सा हम लंबा कर देंगे और थोड़ा सा छोटा, और इसको थोड़े से साइड में करने वाले हैं हम। और इस एड्रेस को जो है हम थोड़ा सा नीचे करने वाले हैं यहाँ पे, और एक यहाँ से हम जो है इंसर्ट से जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट से जाएंगे, एक सैप्स से जो है हम लाइनिंग लेने वाले हैं। तो इसमें एक आउटलाइन करने वाले हैं और इसकी लाइनिंग जो है थोड़ी सी हम मोटी करने वाले हैं, ये कुछ देख सकते हैं आप इस तरीके से। और इस लाइनिंग को थोड़ा सा नीचे करके जो है हम, और इसको भी हम रेड ही करने वाले हैं, ये देखिए रेड। और एक काम करेंगे, यहाँ से सैप्स में आएंगे, ये सर्कल जो दिख रहा है हमारा गोल वाला, इसको उठाएंगे कुछ इस तरीके से,
और यहाँ हम इस बीच में रखेंगे, इसके बीच में। अगर आप चाहो तो और बड़ा भी कर सकते हो, बट मैंने इतने पे ही रखा है। इसकी आउटलाइन हटा देंगे हम यहाँ से, नो आउटलाइन कर देंगे सबसे पहले तो। और इसमें हमें जो लिखना है वो सेव डेट लिखना है, तो हम इसी का जो है कंट्रोल डी कर ले रहे हैं वर्ड का ही, और अपने हिसाब से इसको हम छोटा कर ले रहे हैं और इसमें जो है सेट कर ले रहे हैं। सेट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, एडिटिंग में आएंगे, यहाँ से इस बार मैं फॉन्ट इसका चेंज करने वाली हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा जो अभी आपको अच्छा लगे। मैं यही ले रही हूँ, थोड़ा ये डार्क दिखे। यहाँ पे लिखेंगे हम ये कुछ इस तरीके से मैंने लिख रखा है। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा बीच में कर लेंगे इसको, ताकि ये कुछ अलग दिखे, यूनिक दिखे, लगे। हाँ, ये फाइनली हमारी जो शादी का जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, वो फाइनली बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है, हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।